अगर आप लोगों ने बेन 10 को बहुत ही अच्छे से देखा है तो आपको ये बात पता होगा कि बेन की सबसे ज़्यादा मदद किया था केविन एंड ग्वेन ने बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में, और ओमनिवर्स में रूक ने संभाला था बेन को। यहाँ पर हम लोग ग्वेन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद किसने किया है, केविन लेवन ने या फिर रूक ने। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें केविन लेवन के बारे में, तो केविन लेवन पहले दुश्मन था बेन का, बेन 10 क्लासिक से ही हमें देखने को मिला था। केविन लेवन ने एब्जॉर्ब कर लिया था ओमनीट्रिक्स को और केविन जो है वह अटैक करने के लिए बड़ा था। केविन हमेशा मारना चाहता था बेन को। बेन 10 एलियन फोर्स के स्टार्टिंग एपिसोड्स में भी हमें देखने को मिला कि केविन एंड बेन बहुत ही कट्टर दुश्मन बन चुके थे, पर हमें धीरे धीरे ये देखने को मिला कि ये दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड बने। केविन ने काफ़ी बार मदद किया बेन की, बेन ने भी काफ़ी बार बचाया केविन को। केविन के कारण बेन कई बार मुसीबत में भी पड़ा, जैसे कि ओमनीट्रिक्स को हैक करना। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी था केविन लेवन एंड बेन का, पर इस चीज़ में केविन लेवन ने ही बेन को उकसाया था। केविन लेवन ने काफ़ी बार बचाया भी है, काफ़ी बार फंसाया भी है, क्योंकि गाइस केविन लेवन ने ग्रैंपा मैक्स का जो वैन है उसको चोरी करने के लिए दे दिया था आरजेट को, और हम सभी को पता है कि ग्रैंपा मैक्स को सबसे ज़्यादा पसंद उनका वैन ही था। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें रूक के बारे में, तो रूक ने काफ़ी बार बचाया है बेन को। रूक को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करा गया है कि किस तरह से एलियन से लड़ना है। एक परफेक्ट प्लम्बर बनाया गया था रूक को, क्योंकि रूक ने काफी अच्छे अच्छे काम किए थे। रूक ने कभी भी बेन को मुसीबत में नहीं डाला है, रूक ने हमेशा मदद किया है बेन की, और हम सभी को ये बात पता है कि रूक के ही वजह से बेन कई बार जीता भी है। अगर हम लोग अपने रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट कौन है, देखो दोनों परफेक्ट है, नो डाउट। इन दोनों ने काफी बार एंटरटेन किया है फैंस को, काफी ज्यादा बेन की मदद किया है, पर हम लोग यहाँ पर किसी एक की अगर बात करें तो गाइस मुझे लगता है मेरा प्रेडिक्शन इसमें ये होगा कि रूक जो है वो बहुत ही अच्छा था। रूक ने हर बार बचाया है बेन को, यहाँ तक कि खाइबर के साथ, विलगेक्स के साथ, मेलवेयर के साथ जितने भी हमें फाइट देखने को मिले थे रूक वहाँ पर मौजूद था, और रूक जो है वो बता रहा था बेन को क्या क्या करना है। रूक ने काफी बड़े बड़े आइडियाज भी दिए हैं। रूक की भी वजह से कुछ कुछ बार बेन फंसा हुआ है, पर रूक ने उस गलती को भी सुधारा था। यहाँ पर अगर हम लोग केविन की बात करें तो केविन एक बहुत ही अच्छा दोस्त बोल सकते हैं हम लोग बेन का। बेन को काफी बार बताया कि क्या क्या करना है। बेन जब नल वॉइड में चला गया था तो नल वॉइड से फिर से अर्थ में लाया था केविन लेवन ने। काफी बड़े बड़े मुसीबत में भी केविन लेवन ने साथ दिया था बेन का, और उससे भी बढ़कर केविन लेवन ने बेस्ट फ्रेंड बताया था बेन को। हम लोग यहाँ पर बात करें रूक के बारे में, तो रूक को बेन हमेशा पार्टनर बुलाता था, कभी भी बेन ने बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला था रूक को। पर यहाँ पर रूक जो है वो एक परफेक्ट था, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली है, केविन लेवन को कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिला था। वह सिर्फ बेन के साथ रहता था, बेन को मुसीबत से बचाता था, मुसीबत में उसका साथ देता था। पर रूक के केस में क्या था, रूक को बहुत अच्छे से ट्रेन करा गया था बेन के लिए कि वह बेन के साथ रहेगा, बेन को बचाएगा, उसको प्लमर्स की तरफ से काफी कुछ मिला हुआ था, इसलिए रूक जो है वो परफेक्ट बना था। मैंने आपको अपना प्रेडिक्शन बता दिया, आप लोग नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपको इस तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट बेन 10 के जो न्यूज़ है वो इस चैनल पर मिलती रहे।